हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किस तरह का सॉल्वेंट हमें यूज़ करना चाहिए और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है एक कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रम के ऊपर, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक आइडियल सॉल्वेंट की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो सभी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट कि अल्ट्रावायलेट, जब हम किसी कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उस सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी एक कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रम के ऊपर, उसको अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑन द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑन नॉन पोलर कंपाउंड। सबसे पहले जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उनके केस में अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो हमारे यूवी स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हमारा कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स के केस में जब हम सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी चेंज करते हैं तो सॉल्वेंट का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है लैम्डा मैक्स के ऊपर और एप्साइलन मैक्स के ऊपर। तो कहने का मतलब किसी एक नॉन पोलर कंपाउंड का जो यूवी स्पेक्ट्रम होता है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करते हैं। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं क्योंकि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले अगर इसका मैं रीज़न बताऊं, क्योंकि अगर हमारा सब्सटेंस नॉन पोलर है तो वो पोलर कंपाउंड्स या पोलर सॉल्वेंट्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कोई इंटरेक्शन होगी ही नहीं तो जो हमारा यूवी स्पेक्ट्रम आएगा उसके अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑन द पोलर कंपाउंड्स कि जब हम पोलर कंपाउंड्स का यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं उसके केस में अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है हमारे यूवी स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारे पोलर कंपाउंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, उन कंपाउंड का जब हम यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं और सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है विद चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। कि पोलर कंपाउंड के केस में सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफेक्ट यूवी स्पेक्ट्रम के ऊपर आता है। तो किस तरह से वो इफेक्ट आता है उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारा पोलर कंपाउंड है उसमें एन टू पाई स्टार टाइप की जो ट्रांजिशंस होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है सॉल्वेंट की पोलैरिटी का। तो फॉर एन टू पाई स्टार टाइप ऑफ ट्रांजिशन अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है कुछ चेंज करने पे, कोई पैरामीटर चेंज करने पे, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो कहने का मतलब अगर हम एन टू पाई स्टार टाइप वाली ट्रांजिशंस को स्टडी कर रहे हैं किसी पोलर कंपाउंड के अंदर तो सॉल्वेंट की जब पोलैरिटी हम बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ पर हमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व होगी। तो ऐसा क्यों होता है, हम इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एसीटोन हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी एसीटोन का जैसे अगर हम यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो एसीटोन का यूवी स्पेक्ट्रम हम अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर ऑब्टेन करते हैं। तो पहले हमने देखा कि फोर एसीटोन, एसीटोन का जब हमने यूवी स्पेक्ट्रम लिया इन हेक्जेन के अंदर तो जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 279 में नैनोमीटर, जब सेम एसीटोन का हमने यूवी स्पेक्ट्रम लिया इन इथेनॉल तो वहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 270 नैनोमीटर, और जब एसीटोन का हमने यूवी स्पेक्ट्रम लिया इन वाटर तो वहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, 264 नैनोमीटर। तो हमें ये पता है कि पोलैरिटी हेक्जेन सबसे कम पोलर है, मतलब हेक्जेन कैसा है, नॉन पोलर है, इथेनॉल कैसा है, पोलर है, और वाटर हाईली पोलर है, इथेनॉल से भी ज़्यादा पोलर है। तो हम ये देख रहे हैं जब हम हेक्जेन से इथेनॉल पे, इथेनॉल से जब वाटर पे गए तो हमारे सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू पहले 279 थी, फिर 270 हुई, फिर 264। तो कहने का मतलब जब हमने सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करी है एसीटोन के केस में तो वहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन द सॉल्वेंट पोलैरिटी।
तो ये हमने एसीटोन के एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझा है। अब एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो एन टू पाई स्टार टाइप की ट्रांजिशंस के अंदर हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज देखने को मिलती है। ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ इन टाइप के ट्रांजिशन के लिए ही इस तरह का इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पोलर कंपाउंड के अंदर एन टू पाई स्टार टाइप की ट्रांजिशन देखते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो ग्राउंड स्टेट जो होती है हमारी पोलर कंपाउंड्स की, ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं हमारे वो सॉरी जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड्स की ग्राउंड स्टेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं या सोल्वेशन इफेक्ट करते हैं, और इन दोनों इफेक्ट की वजह से जो ग्राउंड स्टेट होती है हमारे पोलर कंपाउंड्स की वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। और जब कोई भी एनर्जी स्टेट स्टेबलाइज होती है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा नॉन पोल देखिए पोलर कंपाउंड के अंदर जैसे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है तो ये एन हमारा ग्राउंड स्टेट है और पाई स्टार हमारा एक्साइटेड स्टेट है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है हमारे ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो जब हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो उसके केस में हमारा एनर्जी डिफरेंस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में कितना है? डेल्टा E1। लेकिन जब हम पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं, हमारा कंपाउंड कैसा है? पोलर है, और सॉल्वेंट भी हमने कैसा लिया है? पोलर लिया है। तो जब हम सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, जो ग्राउंड स्टेट होती है ये हमारी क्या है? एन क्या है हमारी? ग्राउंड स्टेट। और पाई क्या है? एक्साइटेड स्टेट। पाई स्टार है हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं आइदर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोल्वेशन। तो ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं इसलिए इसकी एनर्जी तो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। स्टेबलाइज तो एक्साइटेड स्टेट को भी करते हैं पोलर सोलवेंट, लेकिन ग्राउंड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, एक्साइटेड स्टेट कम स्टेबलाइज होती है। इसीलिए एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी घट के यहाँ पे इतनी हो गई, लेकिन ग्राउंड स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज हुई है तो इसकी एनर्जी में ज़्यादा डिक्रीज आया है। तो ओवरऑल जब हम एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये एनर्जी का गैप हमारा इंक्रीज हो गया है जब हमने नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट का यूज किया है। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जब एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे जो वेवलेंथ की जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। इसीलिए जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो हमारे लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पोलर कंपाउंड के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है ये ज़्यादा स्टेबलाइज होती है एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि पोलर कंपाउंड्स के केस के अंदर पाई से पाई स्टार टाइप की जो ट्रांजिशंस होती है इन ट्रांजिशंस के ऊपर सॉल्वेंट की पोलैरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पाई टू पाई स्टार टाइप की जो ट्रांजिशंस होती है जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो इस तरह के ट्रांजिशंस के लिए हमारे लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द सॉल्वेंट पोलैरिटी। और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो कहने का मतलब पाई टू पाई स्टार टाइप की जब ट्रांजिशंस को हम स्टडी करते हैं और सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो उस केस के अंदर हमें रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होती है। तो अब ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज। तो अब हम इसको एक्सप्लेनेशन इसकी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए पोलर सॉल्वेंट के केस में जब पाई से पाई स्टार टाइप की ट्रांजिशंस होती है, पोलर कंपाउंड्स के केस में जब पाई टू पाई स्टार टाइप की ट्रांजिशंस होती है तो क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट तो क्या होगी हमारी? पाई। और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? पाई स्टार। तो इस तरह के केस के अंदर जो हमारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं वाया द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वाया द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सॉल्वेशन ऑफ द कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट। कि जो भी हमारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं
और किस वजह से स्टेबलाइजेशन होती है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से या फिर सोल्वेशन की वजह से। तो इसीलिए एक्साइटेड स्टेट जब ज़्यादा स्टेबलाइज होगी तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबलाइजेशन तो ग्राउंड स्टेट का भी होगा लेकिन ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम डिक्रीज होगी। तो हम क्या देखते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट का जब हम यूज़ कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन को पाई से पाई स्टार जाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत थी, डेल्टा E1। और पोलर सॉल्वेंट के केस में पाई से पाई स्टार में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसकी ज़रूरत है, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, डेल्टा E2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा E2 की वैल्यू जो है लेस है एज कंपेयर टू डेल्टा E1। यहाँ पे एनर्जी कम है तो वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है कि हम जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए हमें रेड शिफ्ट देखने को मिलती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं शिफ्ट इन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। तो एन टू सिग्मा स्टार टाइप की ट्रांजिशंस किस तरह के कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होती है, हमने अर्लियर क्लासेज में देखा था, लेक्चर सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि एन टू सिग्मा स्टार टाइप की जो ट्रांजिशंस होती है ये उस तरह के कंपाउंड में ऑब्जर्व होती है जिनके अंदर हेटरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, थायोल्स और अमाइंस। इस तरह के जब कंपाउंड होते हैं तो उनमें एन टू सिग्मा स्टार टाइप की ट्रांजिशंस ऑब्जर्व होती है। और इस तरह के ये जो कंपाउंड होते हैं पोलर कंपाउंड होते हैं, और इन कंपाउंड के ऊपर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफेक्ट ही देख रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर। इस तरह के कंपाउंड्स के जब हम यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी का क्या इफेक्ट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो खुद भी पोलर हैं, और जिस तरह और हमें क्या देखना है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफेक्ट देखना है इन पोलर कंपाउंड्स की यूवी स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो जब हम इस तरह के कंपाउंड्स का यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं और हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ने की वजह से जो हमारे लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंपाउंड देख रहे हैं जिनमें एन टू सिग्मा स्टार टाइप की ट्रांजिशन होती है, ये कंपाउंड कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गए, एल्कोहल, फिनोल, अमाइंस, ये पोलर कंपाउंड्स है। और जब हम सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ाते हैं तो सोलवेंट के बीच में और इस तरह के जो कंपाउंड जो सोल्यूट होंगे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी सोलवेंट और कंपाउंड के बीच में तो जो ग्राउंड स्टेट होगी वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। इस तरह का केस बनेगा कि जब ग्राउंड स्टेट जो होगी वो पोलर सॉल्वेंट के केस में ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी और एक्साइटेड स्टेट लेस स्टेबलाइज होगी। तो कहने का मतलब एन टू सिग्मा स्टार ये हमारी उस ये वाला केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट तो हमारी एन है और एक्साइटेड स्टेट क्या है, सिग्मा स्टार है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए तो जब हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया तो इलेक्ट्रॉन को एन से सिग्मा स्टार पे जाने के लिए डेल्टा E1 एनर्जी चाहिए थी। जब पोलर सॉल्वेंट लिया तो पोलर सॉल्वेंट ने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो काफ़ी डिक्रीज हो गई। तो और जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हुई, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है लेकिन ग्राउंड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कम डिक्रीज हुई है। इसीलिए जो ओवरऑल एनर्जी का डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो डेल्टा E2 हमारा क्या है, डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1। और यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इंक्रीज हो गया, तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। जब एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होता है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफेक्ट क्या होता है एन टू सिग्मा स्टार टाइप ऑफ ट्रांजिशंस के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट फॉर यूवी स्पेक्ट्रम, कि जब हम किसी कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं तो एक अच्छे सॉल्वेंट की क्या क्या मतलब एक अच्छे सॉल्वेंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी चाहिए ताकि वो एक यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर
अच्छे सॉल्वेंट की तरह काम कर सके। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, रेडिएशन डालते हैं और जो हमारा कंपाउंड होता है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हमें यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। लेकिन उस कंपाउंड का हम सॉल्यूशन बनाते हैं पहले सॉल्वेंट के अंदर। अगर हमारा सॉल्वेंट हमने ऐसा लिया है कि वो सॉल्वेंट भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, अब जब वो सॉल्वेंट भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और हमारा कंपाउंड भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो जिस तरह का हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है, हमें सिर्फ कंपाउंड का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ कंपाउंड ही सॉल्वेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट जो खुद भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक अच्छा सॉल्वेंट नहीं होगा, उससे हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो एररफुल होंगे। इसीलिए अच्छे सॉल्वेंट की खास बात ये होनी चाहिए कि जिस रेडिएशंस को हम स्टडी कर रहे हैं वो सॉल्वेंट उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करे। दूसरी क्या खास बात होती है कि सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट जिसका हमें यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है, जिस सॉल्यूट का हमें यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है तो सॉल्वेंट उस सॉल्यूट के साथ कम से कम इंटरेक्शन करे, क्योंकि सॉल्वेंट का जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, हमने देखा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन की वजह से ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है और हमारा यूवी स्पेक्ट्रम जैसे ओरिजिनली आना चाहिए वैसा नहीं आता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में मिनिमम इंटरेक्शंस होनी चाहिए। इसके बाद जो मोस्ट कॉमनली सॉल्वेंट हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 95% इथेनॉल को हम सबसे बेस्ट सॉल्वेंट मानते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। एक तो ये चीप होता है, दूसरा इसकी डिजोल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, मोस्ट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं आसानी से। एक एनहेक्जेन है, उसको भी हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, साइक्लोहेक्जेन को भी हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और वाटर को भी हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो भी हम जब सैंपल बना लेते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, किसी भी कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए जब हम उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं तो उस सॉल्यूशन को हमने देखा था किस में रखते हैं हम, सैंपल ट्यूब होती है, एक सैंपल ट्यूब के अंदर हम उस सॉल्यूशन को डाल देते हैं। तो ये जो सैंपल ट्यूब होती है यूवी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए, ये सैंपल ट्यूब किसकी बनी रहती है, क्वार्ट्ज की बनी हुई रहती है। मटेरियल क्या होता है हमारा, क्वार्ट्ज की बनी रहती है। अब ये क्वार्ट्ज की क्यों बनी रहती है, क्योंकि क्वार्ट्ज यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। हमें ग्लास वाली जो सैंपल ट्यूब होती है उसका यूज नहीं करना होता है, क्योंकि ग्लास यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो सैंपल ट्यूब होती है वो ग्लास की नहीं बनी होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आज हमने ये देखा कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी एक कंपाउंड की यूवी स्पेक्ट्रम के ऊपर।